इसराइल फिलिस्तीन वॉर के बीच ये कुछ फोटोज और वीडियोस देखकर आपकी रूह कांप जाएंगी। क्या होता है अपने को खोने का दर्द, वो सिर्फ यह फोटोज ही बयां कर सकती हैं। हम सिर्फ उन्हें देख सकते हैं, हमारी रूह कांप सकती है, लेकिन हम कभी उस चीज को फील नहीं कर सकते। वो दर्द हमें कभी महसूस नहीं हो सकता है। Starting off with updates from the Israel-Hamas war. Israel insists it must protect citizens from the worst attack in the country's 75-year history. Gaza officials, on the other hand, say over 11,000 people are confirmed dead from Israeli strikes and around 40% of them are children and countless others trapped under the rubble. क्या है इसराइल फिलिस्तीन के बीच वॉर का रीजन, क्या है हमास, क्या है गाजा पट्टी, इन सब चीजों का सही उत्तर जानने के लिए हमें हिस्ट्री की झरोखे में झांकना होगा। करीब आज से 4000 साल पहले मेसोपोटामिया में हजरत इब्राहिम का जन्म हुआ, जिनसे इब्राहिम रिलीजन की शुरुआत हुई थी। इससे पहले वहाँ के लोग सिर्फ मूर्ति पूजा करते थे, लेकिन किसी भी रिलीजन में नहीं मानते थे। उनके ही वंशजों ने आगे चलकर यहूदियों, क्रिश्चियंस और मुसलमानों को जन्म दिया। इसके बाद हजरत इब्राहिम लैंड ऑफ कैनन, जो कि आज के डेट में इसराइल और फिलिस्तीन के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर चले गए थे। हम आगे लैंड ऑफ कैनन वर्ल्ड को इसराइल या किंगडम ऑफ इसराइल के नाम से डिनोट करेंगे, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो करीब 1000 BC के आसपास किंगडम ऑफ इसराइल में जूइस रहा करते थे, जिनको यहूदियों के नाम से जाना जाता है। किंग सोलेमन इनके राजा थे। जूइस लोग इन्हें किंग सोलेमन बुलाते थे, लेकिन मुसलमान इन्हें किंग सुलेमान बुलाते थे, और इसराइल की कैपिटल जेरूसलम थी। इन सब चीजों से पहले का एक किस्सा जानते हैं। जब यहूदी इसराइल में रहते थे तो वह सूखा और अकाल पड़ने की वजह से ज्यादातर यहूदी इजिप्ट में शिफ्ट हो गए थे, लेकिन ये चीजें इजिप्ट के राजा को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि ये लोग अक्सर ग्रुप में चला करते थे और बिजनेस में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया करते थे, और उनको डर था कि कहीं ये लोग इजिप्ट को भी कनकर ना कर लें। इजिप्ट के राजा ने इन लोगों पर अत्याचार करना शुरू किया और अंत में इजरायली लोगों को इजिप्ट छोड़कर भागना पड़ा। अपने एक रिलीजियस गुरु को लेकर बहुत ही कठिन रास्ता तय करके ये लोग वापस इसराइल आ गए। इसराइल पहुंचने के बाद इनके रिलीजियस गुरु ने एक पत्थर पर 10 टीचिंग्स लिखी और कहा कि ये टीचिंग्स जो लिखी हुई हैं, अगर इसे कोई यहूदी फॉलो करता है तो वो कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसेगा। अब हम वापस किंग सोलेमन पर आते हैं। किंग सोलेमन ने जूइस का पहला टेम्पल बनवाया, जिसे फर्स्ट टेम्पल नाम दिया, और इस मंदिर में उस पत्थर को रखा गया जिसमें वो टीचिंग्स लिखी हुई थी। कई सेंचुरीज के बाद यहाँ पर बेबीलोनियन आते हैं और इस टेम्पल को तोड़ देते हैं, लेकिन फिर पर्शियंस बेबीलोनियंस पर जीत जाते हैं, दोबारा इस टेम्पल को बनवाते हैं और इसका नाम रखा जाता है सेकेंड टेम्पल। फिर रोमन एम्पायर फिर से इस टेम्पल को तुड़वाता है, लेकिन इसके पीछे की वॉल रह जाती है, जिसे हम वेस्ट वॉल के नाम से जानते हैं। रोमन एम्पायर में जूइस को एकदम स्लेव बनाकर रखा जाता है, उनसे बहुत ज्यादा काम करवाया जाता है और उनकी जिंदगी बद से बदतर हो जाती है। ज्यादातर जूइस पोलैंड, यूरोप जैसी कंट्रीज में सेटल हो जाते हैं, लेकिन उनको वहाँ भी बहुत ही ज्यादा इल ट्रीट किया जाता है। उनको बिल्कुल भी इक्वल नहीं समझा जाता है और सेकंड क्लास ट्रीटमेंट मिलता है। धार्मिक जूइस अभी भी यहाँ पर रुक गए थे, और इन्हीं में से एक जूइस फैमिली में जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है। जीसस क्राइस्ट हमेशा से जूइस के अगेंस्ट टीचिंग देते थे। वो ऐसी टीचिंग्स देते थे जो जूइस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी, इसलिए जूइस उन्हें बहुत ही ज्यादा नापसंद करते थे और उन्हें कील ठोक कर मार दिया गया, जिसकी वजह से क्रिश्चियंस लोग बहुत ही ज्यादा जूइस से जलने लगे और इनके बीच लड़ाइयां होना बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया था। ईयर 306 में रोमन एम्परर को कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट को किंग बनाया जाता है। ये क्रिश्चियनिटी को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करते थे और पूरे रोम में इस क्रिश्चियनिटी को फैलाना चाहते थे, और इसलिए वो जूइस को बहुत ही ज्यादा मारते थे, जिसकी वजह से जो जूइस बचे भी थे उन्हें भी अलग अलग कंट्रीज में फैलना पड़ गया। जहाँ पर जीसस क्राइस्ट को मारा गया था, वहाँ पर इन लोगों ने चर्च बनाया, जिसका नाम रखा चर्च ऑफ द होली साइपल, और ये चर्च टेम्पल माउंट से 2 किलोमीटर दूरी पर था, जहाँ जूइस इसे टेम्पल माउंट कहते थे
और पूजा करते थे इसकी। वहीं पर मुस्लिम इसे हरम अल शरीफ कहा करते थे। इसका रीजन भी हम आगे की वीडियो में जानेंगे। तो अरब आर्मी का कंट्रोल अब इस एरिया पर हो गया था। अरब आर्मी ने आते ही सबसे पहले जहां सेकंड टेंपल बना हुआ था वहीं पे डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मस्जिद बनवाई। मुस्लिम्स का मानना है कि मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे होली प्लेस उनके लिए यही है। उनका कहना है कि मोहम्मद यहां पर इस पत्थर पर पैर रख के जन्नत में गए थे, जिसकी वजह से इसे डोम ऑफ द रॉक बुलाया जाता है। और ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, एक साइड डोम ऑफ द रॉक, अल अक्सा मस्जिद और वेस्टर्न वॉल, ये 37 एकड़ का एरिया टेम्पल माउंट कहा जाता है। लेकिन वहीं पर मुस्लिम इसे हरम अल शरीफ कहते हैं। यहाँ नॉन मुस्लिम्स का आना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, लेकिन जो जूस पीपल है वो वेस्टर्न वॉल पर अपनी प्रेयर्स अदा कर सकते हैं। ये जो 37 एकड़ का एरिया है ये मुस्लिम क्रिश्चियंस और जूस के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनकी मैक्सिमम रिलीजियस सेंटिमेंट्स इससे जुड़े हुए हैं। अभी भी जो जूस पीपल है वो लोग जेरूसलेम की ओर मुंह करके प्रेयर्स करते हैं। अब सारे जूस तो बाहर थे, मतलब कोई यूरोपियन कंट्री में बसा हुआ है, कोई पोलैंड में बसा हुआ है, सभी लोग फिलिस्तीन छोड़ चुके थे। अब उसके बीच एक आग लग रही थी अपने देश वापस आने की। इसका सबसे मेन रीजन था कि उन्हें बहुत ही ज्यादा इल ट्रीट किया जाता था फॉरेन कंट्रीज में, जिसकी वजह से उन्होंने एक मूवमेंट चलाया जिसे जूइनिज्म मूवमेंट कहा जाता है। इसका मतलब था कि अपनी कंट्री वापस जाओ। 1914 में जब ब्रिटेन और जर्मनी का वर्ल्ड वॉर वन चल रहा था, तब ब्रिटेन ने बहुत ही बड़ा गेम खेला। ब्रिटेन के साथ यूएसएसआर और यूएस खड़े थे, और वहीं पर जर्मनी के साथ ओटोमन एम्पायर खड़ा था जो कि जूस पर राज कर रहा था। और वहीं सेम टाइम पर ब्रिटेन ने जूस को प्रॉमिस किया है कि अगर आप हमारी वॉर जीतने में मदद करते हैं तो आपको अलग से रहने के लिए कंट्री दिया जाएगा। और यहां पर एक बलफोर डिक्लेरेशन साइन हुआ जिसमें ये लिखा हुआ था कि जूस को अपना उनका एक कंट्री दिया जाएगा। अब इस वॉर को तो जर्मनी हार जाता और ब्रिटिश एम्पायर आ जाता है, तो प्रॉमिस के मुताबिक ब्रिटेन जूस लोगों को यूरोपियन कंट्रीज से उठाकर फिलिस्तीन भेजना चालू कर देता है। 1914 तक 85,000 जूस लोग वहां रहने लगे थे, और ये पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। और ब्रिटेन की ये चीज आसपास के अरब देशों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसके बाद जर्मनी में हिटलर आता है, ये जूस लोगों पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार करता है, और वर्ल्ड वॉर टू के दौरान हुए होलोकास्ट में 60,00,000 जूस मारे जाते हैं। अब जूस के पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। वैसे ही वो बहुत कम है, ऊपर से उनका अस्तित्व खत्म हो जाने वाला था। वो अब और जल्दी माइग्रेट होकर फिलिस्तीन में सेटलमेंट करने लगते हैं, और अब यहाँ पर उनकी पॉपुलेशन अरब से भी ज्यादा हो जाती है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएन का गठन किया जाता है जिसको यूनाइटेड नेशन जाना जाता है। तो ब्रिटेन क्या करता है, वो बलफेयर डिक्लेरेशन को यूएन को दे देता है और कहता है इनको इनका हक दिलाइए। यूनाइटेड नेशन एज यूजुअल पोलिंग्स करवाता है कंट्रीज की। सारी कंट्रीज लगभग इसराइल के सपोर्ट में आती है सिवाय अरब के और इंडिया। 1947 में इसराइल का एक नया मैप बनाया जाता है जिसमें इसराइल को यह जगह दी जाती है और फिलिस्तीन को यह जगह दी जाती है। अब इसराइल में यहूदी रह सकते थे और फिलिस्तीन में अरब रह सकते थे। और ये जो जेरूसलम का टेंपल माउंट वाला एरिया है इसको यूएन अपने कंट्रोल में रखने वाला था। इस डिसीजन से इसराइल बहुत ज्यादा खुश हुआ, लेकिन अरब कंट्रीज बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए थे। इसके बाद ब्रिटिश ने इसराइल फिलिस्तीन को छोड़कर वहां से चले गए, और अगले ही दिन सारी अरब कंट्रीज ने मिलकर हमला कर दिया इसराइल पर। और हैरानी की बात यह है कि इसराइल अकेले ये वॉर जीत जाता है, और ये सारा एरिया फिलिस्तीन का इसराइल कवर कर लेता है। इसराइल को वापस से परेशान करने के लिए इजिप्ट ने स्विस कैनाल को इसराइल के लिए बैन कर दिया। ये कैनाल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था ट्रेड के लिए, जो कि इजिप्ट की जमीन पर बना हुआ था। 1967 में वापस से सारी अरब कंट्रीज मिलकर इसराइल पर हमला कर देती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 6 दिन में इसराइल ये वॉर जीत जाता है, और ये एरिया इजिप्ट का इसराइल कैप्चर कर लेता है। इसके साथ साथ गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक भी अब इसराइल के कंट्रोल में आ जाता है। यूएन वापस से इस चीज में इंटरफेयर करता है और इसराइल को कहता है कि आप इजिप्ट को उनका लैंड वापस करिए। इसराइल मान जाता है, वो लैंड तो वापस कर देता है, लेकिन गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक अपने पास रखता है। इसके बाद फिलिस्तीन को आजाद कराने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन होता है जिसको PLO बुलाते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन छोटे छोटे करता रहता था इसराइल पे। इसने 1968 से 1977 के बीच 29 प्लेन हाईजैक किए, और यही नहीं, जब जर्मनी में ओलंपिक्स चल रहे थे तो 5 फिलिस्तीनियों ने इसराइल एथलीट के अपार्टमेंट पर हमला भी किया था। PLO के मैक्सिमम मेंबर्स लेबनान में रहते थे, तो इसराइल ने बिना सोचे समझे लेबनान पर बमबारी कर दी जिसमें बहुत ही ज्यादा अधिक मात्रा में लोग मारे गए, जिसका डाटा करीब 17,000 लोगों तक जाता है। इसके बाद PLO वीक पड़ गया, लेकिन 1974 में PLO को UN असेंबली ने
रिकॉग्निशन दिया और उन्हें एज अ फ्रीडम फाइटर कंसिडर किया। पीएलओ ने यूएन से डिमांड किया कि जो मैप यूएन ने बनाया था इसराइल को वो एरिया फ्री कर देना चाहिए, लेकिन इसराइल ने इस चीज से साफ इनकार कर दिया। उसके बाद 1992 में यित्जक रैबिन इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बने, जिन्होंने पीएलओ को साफ साफ फ्रीडम फाइटर माना और उनकी लैंड देने की बात कही। 13 दिसंबर 1993 को फिलिस्तीन और इसराइल के बीच एग्रीमेंट साइन हुआ और इसको नाम दिया गया ओस्लो एकॉर्ड्स। इस एग्रीमेंट के तहत वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप वापस फिलिस्तीन को दे दिया जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1995 में कट्टर यहूदियों ने ही पीएम को असेसिनेट कर दिया, उन्हें मार दिया ये कहते हुए कि हम जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं देंगे। अब पीएलओ यूएन का पार्ट था, जिसकी वजह से वो हमेशा पीस को सपोर्ट करता था, शांति चाहता था, लेकिन जब भी शांति की बात होती थी या तो उस पॉलिटिशियन को मार दिया जाता था या उसे सत्ता से हटा दिया जाता था। अब इस चीज में हमास ने एंट्री ली। हमास 1987 में बना एक ऑर्गेनाइजेशन था जो कि कट्टरपंथी को सपोर्ट करता था। अरब देश भी फाइनेंशियली हमास को बहुत ज्यादा सपोर्ट करने लगे, यहाँ तक कि वेपन्स भी सप्लाई होने लगे थे। अब अरब कंट्रीज के लोग, फिलिस्तीन के लोग हमास को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करने लगे। वे जानते थे अब कोई आजादी दिला सकता है तो वो यही लोग हैं। 2006 में हमास इलेक्शन लड़ता है और जीत भी जाता है। 132 सीट्स में से 74 सीट्स हमास को मिलते हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता जाता है। इस ऑर्गेनाइजेशन को यूएन ने भी एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर किया है। इसके बाद में पीएलओ और हमास के बीच एक सिविल वॉर होता है, जिसमें फिलिस्तीन दो टुकड़ों में टूट जाता है। एक हमास जिसने गाजा स्ट्रिप का एरिया ले लिया और दूसरी साइड पीएलओ जो कि शांति चाहता था उसने वेस्ट बैंक का एरिया ले लिया। अब जो भी कंटिन्यू मिसाइल फायर होते हैं वो इन्हीं गाजा स्ट्रिप से फायर होते हैं जो कि हमास करता है, लेकिन इसराइल का डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा है जिसे आयरन डोम के नाम से जाना जाता है, वो इन मिसाइल्स को इन एयर डिटेक्ट कर लेता है और उसे हवा में ही मार देता है। लेकिन ये सब तो पुरानी सिचुएशंस हैं, चीजें अब उससे भी बड़ी हो गई हैं। पहली बार इसराइल ने फिर से वॉर डिक्लेयर किया है। अब इजरायली पीएम ने ऑन कैमरा आके इस चीज को एज अ वॉर डिक्लेयर किया है। במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה.